हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हैब यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है अरुण। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लाया हूँ MIUI के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो, जो कि काफी यूजफुल होने वाले हैं अगर आपके पास MIUI रोम इंस्टॉल्ड है या फिर आपने कस्टम रोम फ्लैश किया है जो कि MIUI रोम बेस्ड है। तो ये उन्हीं लोगों पे काम करेगा जिनका फोन में MIUI रोम इंस्टॉल्ड है। तो यदि आप Xiaomi का फोन यूज करते हैं और MIUI इंस्टॉल्ड है तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और आप इन्हें यूज जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है और साथ में बहुत कम लोग यूज करते हैं इसे, लेकिन इसे यूज करना चाहिए हर लोगों को अगर उन्हें टाइम मिलता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले ट्रिक होने वाला है डायलर के ऊपर। डायलर मतलब कि आप जिससे कॉल करते हैं वो वाले, तो उसके अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनकमिंग कॉल सेटिंग्स का। तो इनकमिंग कॉल सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा फ्लिप टू साइलेंस रिंगर का, मतलब कि अगर आपका फोन फ्लैट सरफेस पर रखा हुआ है और यदि आपका कॉल आता है और रिंग बज रहा है, तो यदि आप उस पर्सन को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने फोन को पलट दीजिए, पलट के रख दीजिए, तो आपका रिंगटोन बंद हो जाएगा लेकिन वो रिंग होते रहेगा बैकग्राउंड में। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप किसी को इग्नोर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दूसरा फीचर की ओर चले तो आपको क्वाइट रिंगर वैन लिफ्टेड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मतलब कि अगर आप फोन को लिफ्ट करेंगे अपने हाथ से ऊपर में तो आपका रिंगटोन एकदम क्वाइट हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि रिंगटोन रिंग बज रहा है आपका फोन में और जैसे ही आप फोन को उठाएंगे तो वो रिंगटोन बंद हो जाएगा, मतलब लेकिन रिंग होगा आपका फोन लेकिन वो साइलेंट मोड में चला जाएगा। तो ये भी काफी यूजफुल है अगर आपको आप कोई शांति एरिया में है और रिंग बज गया आपका फोन और तुरंत आपने उठा लिया फोन और आपका फोन साइलेंट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप कोई शांत एनवायरनमेंट चाहते हैं तो सिंपली आप फोन ऊपर उठाइए और आपका फोन साइलेंट हो जाएगा रिंगटोन मोड के बदले में। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम का। तो इस ऑप्शन के जरिए आपका रिंगटोन जो है वो आपका धीरे से शुरू होगा और आपके सेट वॉल्यूम लेवल तक आपका बजेगा, मतलब धीरे से शुरुआत होगा और लाउड होते चला जाएगा। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। चौथा ऑप्शन है फ्लैश वाइल रिंगिंग। तो फ्लैश वाइल रिंगिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप रात में फोन पलट के रखे हैं या फिर कहीं भी आप डार्क एरिया में रखे हैं तो ये ऑप्शन एनेबल करने के बाद आपका फोन रिंग होगा और फ्लैश बैकग्राउंड में फ्लिकर करेगा। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आपका फोन साइलेंट में भी है लेकिन आपका फ्लैश के जरिए आपको पता लग जाएगा कि आपका फोन यहाँ पर है और आपका कॉल आ रहा है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका फोन कॉल आ रहा है। इससे आपको मतलब कि अगर आपका फोन इधर उधर रखा भी गया है तो आप इसे कॉल करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका फोन कहाँ पर है। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और पांचवें ऑप्शन की ओर चले तो म्यूट फर्स्ट रिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका वो मतलब एक बंदे आपको दो तीन बार कॉल करते हैं तो मान लीजिए वो पहली बार कॉल करता है तो आपका वो रिंग टोन नहीं बजेगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो कॉल करेगा वो म्यूट हो जाएगा और जैसे ही वो दोबारा रिंग करेगा तो वो दोबारा से बजने लगेगा, मतलब कि पहला टाइम जो रिंग करेगा वो आदमी उसका आपको रिंग टोन सुनाई नहीं देगा। तो अब चलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर। तो कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली का, जिसका उपयोग भी आप कर सकते हैं किसी भी कॉल कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रूफ की तरह, या फिर कोई आपका मस्ती मजाक चल रहा है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए। ये सारे फीचर्स आपको इनबिल्ट मिलते हैं MIUI रोम के अंदर, तो थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करने का मतलब ही क्या हुआ जब आपको पहले से फ़ोन के अंदर ये सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं का उपयोग करिए ताकि बेटर भी होगा, आपके फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप्स का जरूरत भी नहीं होगा जिससे आपका इंटरनल स्टोरेज खाली भी रहेगा। और अगले ऑप्शन की ओर चले तो वो है ऑटो आंसर सेटिंग्स का। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इसी फोन के अंदर डायलर के अंदर। तो इस ऑप्शन के जरिए आपका फोन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा कुछ टाइम इंटरवल के दौरान। तो उसमें सेटिंग में दिया हुआ है 3 सेकंड, 5 सेकंड और 10 सेकंड का, तो इसकी वजह से आप 3 सेकंड के अंतराल में आपका फोन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। यदि आप पॉकेट में फोन रखे हुए और आप ईयरफोन डाले हुए हैं तो आपका ऑटोमेटिकली फोन रिसीव हो जाएगा, और जिससे कि आपको इजी होगा बात करना, या फिर आप कोई व्हीकल में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, तो आपका कॉल कॉन्वर्सेशन में आप बात कर भी पाएंगे। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कॉल अगर या यदि आप बिजी हैं या फिर कहीं भी आपका हाथ या पॉकेट तक नहीं पहुंच रहा है या फोन तक नहीं पहुंच रहा है तो आप सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल करके आप कोई भी कॉल रिसीव या डिसकनेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑटो आंसर का फीचर आपको दोनों ऑप्शन में देखने को मिलेगा, अगर ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ब्लूटूथ के लिए ही यूज़ करना चाहते हैं या फिर हेडसेट के लिए यूज़ करना चाहते हैं।
या फिर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं। तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, इसे भी आप यूज करें, जिससे कि आपको आसानी होगा। यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको कॉल रिसीव करना है तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो अगला जा रहे हैं डायल पैड टोन्स के ऊपर, तो ये लगभग सभी को पता है लेकिन ये भी यूज नहीं करते हैं। थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस नया देखने को मिलेगा, अगर आप टोन चेंज कर देते हैं डिफॉल्ट से पियानो कीज टोन्स में, तो आपको कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं, आपका जो टोन इफेक्ट है वो आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहां से डिसेबल भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन जो लगभग हर फोन में अवेलेबल रहता है लेकिन वो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फेवरेट, जो कि एक क्विक डायल ऑप्शन। अगर मुझे मोम या डैड को क्लिक कॉल करना है तो सिंपली एक बटन को होल्ड करके मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन आपको अंदर में देखने को मिलेगा, यहाँ आपको असाइन करना होगा उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर, मतलब कि 1, 2, 3, 4 से 9 तक आपको नंबर है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर नंबर पे सेट कर लीजिए उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को, जिससे कि आप उस बटन को होल्ड करे रहेंगे तो आपका वो कॉल डायरेक्टली उस यूजर तक कॉल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि मुझे मदद मिलती है, मैं किसी दोस्त या किसी फ्रेंड या मोम डैड को भी कॉल करना होता है तो सिंपली मैं होल्ड करे रहता हूँ तो ऑटोमेटिकली कॉल लग जाता है। ये काफी ईजी वे है अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं। तो ये सारे हो गए डायलर के टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए अगले टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, अगले ट्रिक्स की ओर चले तो आपको देखने को मिलेगा गैलरी के अंदर। तो गैलरी के अंदर सिंपली आपको कोलैज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन वो भी एक लिमिटेशन के रूप में, मतलब कि आप सिंपली 4 फोटो का आप कोलैज बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक फोटो के अंदर 4 फोटो कॉम्बाइन है, तो यही फीचर को कहलाता है कोलैज। तो कोलैज का मतलब यही हो गया, तो इसमें एक लिमिटेशन है जो कि आप 4 फोटो तक ही आप कोलैज बना सकते हैं। तो चलिए गैलरी के अंदर ही नेक्स्ट ट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं, तो वो है आपको एडिट सेक्शन के अंदर। तो गैलरी के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिट के अंदर, ब्यूटीफाई क्रॉप फिल्टर स्टिकर डूडल टेक्स्ट एडजस्ट मोसाइक इरेज का ऑप्शन। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं इसी के अंदर, तो इन सभी का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है टेक्स्ट वाला, एडजस्ट वाला और शार्पन मोड। तो टेक्स्ट मोड जैसे कि यूट्यूबर लोग को थंबनेल बनाना रहता है, तो आप इसे सिंपली टेक्स्ट के अंदर जाके आप सिंपली टेक्स्ट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उस फोटो के ऊपर। और साथ जो एडजस्ट के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ब्राइटनेस शार्पन कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन और विजनेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसमें से सबसे मेरा फेवरेट है शार्पन मोड। मान लीजिए आपका ब्लरी फोटो आया है तो आप जो सिंपली शार्पन को बढ़ा दीजिए तो आपका पिक्चर जो डिटेल आपका मिसिंग है वो आपको क्लियर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आपका जो पिक्चर साइज होने वाला है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो आप नोट डाउन कर लें। और चले मोसाइक और इरेज फीचर की ओर, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। मोसाइक का मतलब हो गया कि आपको ब्लर करना है कोई ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपने न्यूज में देखा होगा, और इरेज का ऑप्शन कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट को अगर आपको रिमूव करना है तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं आप भी। और इरेज के ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट और लाइन्स रिमूवल का टूल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप अनवांटेड ऑब्जेक्ट और लाइन्स को रिमूव कर सकते हैं अपने इमेज के अंदर से। अगला ट्रिक होने वाला है एमआई ड्रॉप के ऊपर, जो कि लगभग सभी यूजर्स यूज करते हैं लेकिन लगभग कम ही लोग यूज करते हैं। जैसे कि अपने जेंडर या फिर सुपर बीम या फिर शेयरिट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते होंगे जिसके अंदर वाईफाई है, तो आप उस तरह थर्ड पार्टी का यूज करना इससे बेहतर है कि आप सिंपली एमआई ड्रॉप का यूज करें। अगर आपके पास कंडीशन या चारा नहीं है तो आप सिंपली इसी एप्लीकेशन का यूज करके आप सिंपली अपने मोबाइल के फाइल्स को आप कंप्यूटर में एक्सेस करके डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको इसके अंदर बहुत सारे, मतलब बेसिक लुक यूआई जो है इसका इंटरफेस है वो काफ़ी नॉर्मल, काफ़ी मतलब इजी मैं बोलूँगा, लेकिन उतना अट्रैक्टिव लुक देखने को नहीं मिलता जितना कि जेंडर और यहाँ सेरिट ये सारे अवेलेबल हैं यूआई इंटरफेस के मामले में। लेकिन ये सिंपली अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है तो ये भी बेस्ट है और काफ़ी स्पीड से आपको भेजता है अपने पीसी में। तो सबसे पहले तो करना क्या होता है एमआई ड्रॉप के अंदर, यही एक लिमिटेशन है कि आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होता है और अपने लैपटॉप में हॉटस्पॉट जनरेट करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको हॉटस्पॉट क्रिएट कर लेना होगा कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, उसके बाद आपको फ़ोन में आपको कनेक्ट करना होगा लैपटॉप के वाईफाई हॉटस्पॉट से। तो कनेक्शन कर लेने के बाद आपको सिंपली उस एड्रेस बार में इसे टाइप करना है, मतलब कि कंप्यूटर में आपको ब्राउजर खोल लेना है, उसके बाद ये एड्रेस बार में ये सारे टाइप कर देना, उसके बाद एंटर करके आप कोई भी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे और इवन आप डाउनलोड करके देख भी पाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप सिंपली एक छोटे से क्लिक की मदद से आप कोई भी फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे और इवन डाउनलोड भी कर पाएंगे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर।
तो अगर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करना नहीं आता है तो मैंने एक ऊपर में कार्ड का लिंक दे दिया है, आप वहां जाके सीख सकते हैं कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में किस तरह हॉटस्पॉट को जनरेट करना है। और इसी के साथ ये EMI ड्रॉप वाला ट्रिक खत्म होता है। तो चलिए लास्ट ट्रिक की ओर चले, तो है म्यूजिक के अंदर। तो म्यूजिक के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्लीप टाइमर का, जैसे कि रात में अगर आप गाना सुनते सुनते अगर आप सो जाते हैं और दिन भर आपका गाना नेक्स्ट होते होते आपका बजते रहता है रात भर, तो ये काफी अनोइंग बात है जिसकी वजह से आपका बैटरी डिग्रेड होगा। स्टैंड बाय मोड ऑफ म्यूजिक जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है फोन के जरिए, तो उससे आपका बैटरी भी खर्च होगा, साथ में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो यदि आप स्लीप टाइमर ऑन करके अपने अनुसार अपना टाइमिंग सेट कर लेते हैं तो वो उस इंटरवल के अंदर ही आपका वो म्यूजिक एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप सोने टाइम अगर म्यूजिक सुनते हैं, और यदि आप ऑन छोड़ देते हैं तो इसकी मदद से आप सिंपली ऑफ करके सेट करके आपका म्यूजिक जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप डायरेक्टली सो जाते हैं तो म्यूजिक सुनते सुनते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे MIUI के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो, जो कि लगभग सभी यूजर्स को लगभग से पता है लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं, तो इन्हें जल्द से जल्द यूज़ करना शुरू करें, तब जाके आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा इन सभी फीचर्स का आपके फ़ोन के अंदर जो अवेलेबल है। तो मेरे पास भी MI का फ़ोन है तो मैं इन सब का यूज़ करता हूँ, और मुझे थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ करने की आदत नहीं है जल्द से जल्द, जैसे कि MI ड्रॉप का उपयोग मैं करता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो काफ़ी मेरे लिए यूज़फुल है। तो ये सारे हो गए MIUI टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल है, अगर वो नहीं जानते हैं तो इन सारे फीचर्स को भी वो यूज़ करना शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक मैं मिलना चाहूँगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स, गुड बाय। We'll be right back.